जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक ऐसा छोटा सा पेनी स्टॉक है जो साल 2023 में एक मतलब मल्टीबिलियन स्टॉक साबित हो सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इन दिनों तो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं 8-8% का इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8-8% का अपर सर्किट डेली लगेगा, लेकिन वैसे भी 2023 के शुरू से जिस तरीके से इस स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी ये जिस तरीके का कामकाज करती हुई दिख रही है, उसके बदौलत कहीं ना कहीं इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। इसलिए हम जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए चले गए। अब देखिए, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो क्लोजिंग प्राइस रहा 2.65 रुपये पर रहा, वो भी 8% से अधिक तेजी के साथ चढ़कर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। ये तो सिर्फ एक दिन की बात हो गई। यहाँ पर जब आप देखेंगे पिछले एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में भी इस स्टॉक में तकरीबन आपको 30% मान लीजिए, इसको 30% के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टॉक कितना धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा था, लेकिन इसके बाद 5 अप्रैल के बाद से तो इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगा है जो अभी तक लगते ही चले जा रहा है। और देखिए, ये जो तेजी आप देखने को, ये मैं लंबी अवधि की चार्ट पर आपको दिखाऊंगा तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक निगेटिव में दिखाई देगा, 3% के आसपास गिरा है, और पिछले 6 मंथ में तो एक अच्छी खासी इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब अप्रैल मंथ से स्टॉक अब चढ़ने लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और अप्रैल मंथ से जब स्टॉक चढ़ने लगा है तो ये जो गिरावट यहाँ पर आ रहा था यही इसको अब ये स्टॉक मतलब जब चढ़ने लगा है तो इस जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है इसको देखेंगे तो इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि इस जो अभी ब्रेक किया है इसके ऊपर यदि ये कुछ दिनों तक सस्टेन कर जाता है, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पर कुछ दिनों तक यदि इस कंपनी का प्राइस रह जाता है तो उसके बाद लगातार इसका जो शेयर प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर ही जाते रहेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का चार्ट। ये है एक साल का चार्ट। एक साल का चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंटिन्यूस स्टॉक में यहाँ से ये तकरीबन सितंबर 2022 से स्टॉक में लगातार आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा। हालांकि बीच बीच में प्राइस ठहरा भी, लेकिन फिर भी एक फ्लो में देखें तो उसके बाद ये जो सपोर्ट था उसको तोड़कर प्राइस नीचे आया। लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे डबल डब्लू अभी इस स्टॉक में बना है। और जब आपको पता है कि जब किसी भी स्टॉक के चार्ट में जब डबल डब्लू का डब्लू का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाता है। तो देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पर इसने 2 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखेंगे तो प्राइस ऊपर जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस था जो लगातार लोअर लो बनाते हुए चल रहा था उसको ये कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। अभी ब्रेक किया नहीं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2.70 रुपये के ऊपर जब निकलेगा, अभी 2.50 रुपये के आसपास 60 रुपये के आसपास चल रहा है, 2.70-2.75 रुपये के जब ऊपर निकलेगा, यानी कि ये जो एरिया है इसके ऊपर निकलेगा और सस्टेन कर जाएगा, तब इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे पहले तो इस लेवल को ब्रेक करेगा जो 3 रुपये का लेवल है, फिर ये जो 3.5 रुपये का लेवल है, और इस दोनों लेवल को आराम से पार कर जाएगा यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2.75 रुपये के ऊपर निकल कर उस दिन सस्टेन कर जाता है। इसके नीचे यदि नहीं आएगा तब आराम से ये इसका शेयर प्राइस आपको 3.5 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखेगा और इजीली आपको 4 रुपये तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। यानी कि जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में वो पावर है कि ये एक मल्टी बिगर स्टॉक साल 2023 में बनते हुए दिखेगा। यदि इस कंपनी के हम लोग काम की बात करें तो बेसिकली ये एक कंसल्टेंसी है जो मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और मतलब किसी भी चीज़ में चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, पावर प्लांट्स हो, उसमें यदि मेंटेनेंस सर्विस की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है तो ये कंपनी प्रोवाइड कराता है। तो जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का यही काम है। काम काफ़ी अनोखा ढंग का कंपनी का काम है। काम के हिसाब से इसका बिजनेस जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर में और ग्रो करेगा। थोड़ा सा फंडामेंटल देख लें तो कंपनी का फंडामेंटल तकरीबन 450 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। शेयर प्राइस देखिए बुक वैल्यू से अधिक है, लेकिन बुक वैल्यू माइनस में ये अच्छी बात नहीं है, बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का पता नहीं है। हालांकि ये आरओसी काफ़ी कमाल का है, तकरीबन 78% के आसपास है। यदि आरओई का पता लग जाए तो आरओसी जो है 78% वो आपको साल भर में आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि छोटी कंपनी है, तो इससे डिविडेंड की क्या ही उम्मीद करें। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है उसके बदलो जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जरूर हो जाएगी। तो देखिए, जीवीके पावर में कुछ खास अपडेट बताने के लिए नहीं है, जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। अब आपको इसमें क्या करना है अपना सोच विचार करने के बाद ही इसमें कीजिएगा। मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप जुड़े हैं शेयर बाजार से और ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एंजल लोन या MSTO के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।